हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्कीन्स के नॉमनक्लेचर की बात करेंगे। तो चलिए आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि अल्कीन्स के लिए हम सफिक्स ईन का यूज करते हैं, वहीं अगर हमें अल्कीन्स के लिए पैरेंट चेन चूज करना है तो हम वह लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन चूज करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर हम पैरेंट चेन में कार्बन की नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। एग्जांपल के लिए अगर हम इस कंपाउंड को लें तो आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में एक ही कार्बन चेन प्रेजेंट है जिसमें तीन कार्बन्स हैं, और हम नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऐसा करने पर डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो इस कंपाउंड को हम प्रोपीन या फिर प्रोप वन ईन कहेंगे। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में चार कार्बन है तो इसके लिए रूट वर्ड होगा ब्यूट, और यहाँ पे भी नंबरिंग हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे जिससे कि डबल बॉन्ड कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में आएगा। तो इस तरह से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूट वन ईन, या फिर सिंपली इसे हम ब्यूटीन भी कह सकते हैं। वहीं अगर हम ये कंपाउंड लें तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड कार्बन टू और कार्बन थ्री के बीच में है तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा ब्यूट टू ईन। वहीं अगर हम यह कंपाउंड लेते हैं तो इस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, एक कार्बन वन और टू के बीच में, दूसरा कार्बन थ्री और फोर के बीच में। तो इस कंपाउंड के लिए आईयूपीएसी नेम होगा ब्यूट वन थ्री डाई इन। डाई इन इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं।